सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ 8 रीजंस दैट व्हाई यू शुड लर्न जांगो इन 2023 बिकॉज जांगो एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है एंड जांगो के अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसके अलावा कई सारे रीजंस हैं जो टोटल 8 रीजंस सम अप किए हैं मैंने दैट व्हाई यू शुड लर्न जांगो इन 2023। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल डू दैट एंड ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा जिसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें क्योंकि उसके अंदर को बहुत ही बढ़िया लोग मिल जाएंगे जो कि आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। मैं भी कभी कभी हेल्प कर देता हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, दैट्स कमिंग फॉर अनअकैडमी। अनअकैडमी एक लेकर के आया ऐप जिसका नाम है नेक्स्ट लेवल एंड ये ऐप क्या करता है, यू कैन से आपने आपके पास बहुत सारी स्किल्स होती होंगी, आप किसी किसी एरियाज में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज कैरी करते होंगे एंड उनको आप दिखा करके इस पर्टिकुलर ऐप में आप उन चीज़ों को दिखा करके आप जॉब्स ले सकते हो, आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्पीट कर सकते हो, आप अपने कलीग्स के साथ कम्पीट कर सकते हो या फिर आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो कि बाहर रहता है तो इस ऐप को आप डाउनलोड करके, सिंपल तरीका ये है कि आप अपनी कोडिंग की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो, आप बहुत सारे मैचेस होते हैं, ये काइंड ऑफ अ गेमीफाई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप और लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी रेटिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हो एंड जैसे जैसे आपकी ग्रेजुअली रेटिंग इम्प्रूव करने वाली है वैसे वैसे आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। द बेस्ट पार्ट इज ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इस ऐप के अंदर मैंने भी रजिस्टर किया है, सो इफ यू वॉन्ट टू कॉम्पीट विद मी या फिर आप अपने ऐसा ग्रुप्स बनाना चाहते हो तो वो कर सकते हो एंड आई हैव ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर ऐप एंड मैं भी इस पर्टिकुलर ऐप पे हूँ, सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस ऐप, यू कैन से डाउनलोड दिस ऐप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसको डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलें। तो जो नंबर वन पॉइंट निकल करके आता है जांगो लर्न करने का, दैट इज कॉल्ड एक्सेलेंट डॉक्यूमेंटेशन। एक्सेलेंट डॉक्यूमेंटेशन से आपको फायदा क्या मिल जाता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक यू कैन से बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंटेशन से लर्न करना बहुत ईजी होता है एंड आफ्टर वेन यू लाइक अब जब यूट्यूब वीडियो से जब चीज़ें सीख जाते हो तो आप कभी भी जब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर दोबारा नहीं आते हो। वेन यू वर्क आई कैन अश्योर यू बहुत ही ज़्यादा रेयरली केस होगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन पे आओ, सॉरी यूट्यूब वीडियोज़ पे आकर के देखोगे, आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से इंटरेक्ट करोगे एंड आपकी चीज़ें कवरअप होती जाएंगे। सो डॉक्यूमेंटेशन का एक कह सकते हो काइंड ऑफ बहुत ही गुड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड जांगो की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब आप कुछ भी सर्च करना चाहो, किसी का भी एग्जाम्पल देखना चाहो, टोटली बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। सो नंबर वन रीज़न होता है जांगो का लर्न करने का, दैट इज कॉल्ड एक्सेलेंट डॉक्यूमेंटेशन। कई सारे फ्रेमवर्क होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं समझ में आती, यू कैन से टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लास्क, फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ उतना ज़्यादा यू कैन से जांगो से कंपेयर करें तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, व्हाट आई थिंक, हो सकता है अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है बट मेरे हिसाब से फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन एज कम्पेयर टू जांगो इज़ नॉट दैट गुड बट जांगो की डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इजी। नंबर सेकंड पॉइंट निकल करके आया, दैट इज कॉल्ड पाइथन वेब फ्रेमवर्क। पाइथन एक सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग में आना होता है बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद उनको यही पता चलता है कि पाइथन इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जब आप पाइथन सीख लेते हो तो आपको कुछ प्रोजेक्ट करने होते हैं, आपको कोई फ्रेमवर्क सीखना होता है, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अब अगर पाइथन आपने सीख ली तो ऐसा तो नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे फिर रिएक्ट सीखोगे फिर ये सीखोगे, अगर आपको पाइथन ऑलरेडी आती है तो डेफिनेटली आप जांगो की तरफ जा सकते हो, जांगो इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क आउट देयर एंड जब आप जांगो सीख लेते हो, जब आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि कैसे फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं, कैसे चीज़ें को करी जाती है, तो फिर आप किसी के ऊपर भी कर सकते हो। द बेस्ट आइडिया इज आप अगर पाइथन के बैकग्राउंड से हो सो आपको जांगो डेफिनेटली रन करनी चाहिए एंड जांगो के अंदर जॉब्स भी बहुत ही ज्यादा है। सो दिस इज माय सेकंड पॉइंट। क्या है, दैट इज कॉल्ड एसईओ ऑप्टिमाइज। एसईओ ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, जब आप जांगो के अंदर काम करते हो सो आपकी यूआरएल्स आपके हाथ में होती हैं, आप यूआरएल्स को लाइक क्लियर कट लिख सकते हो कि ये यूआरएल किस लिए, ये यूआरएल किस लिए, तो उस वजह से जब गूगल इंडेक्सिंग करता है या फिर बॉट अपना भेजता है फॉर वेब स्क्रैपिंग या फिर वेब बास्टर में जब आप जाकर के रजिस्टर करते हो उस टाइम पे आपको बहुत ही यू कैन से एसईओ फ्रेंडली चीज़ें मिलती हैं गूगल बॉट को, उस हिसाब से वो एसईओ की रैंकिंग बढ़ाता है एंड उसके बाद जांगो के अंदर आपको कई सारे यू कैन से प्लगइन मिल जाते हैं जांगो एसईओ या फिर रोबोट टीएक्सटी फाइल जनरेट करनी होती है या एक्सएमएल वाईएमएल जो भी फाइल एक्सएमएल एक फाइल जनरेट करनी होती है साइट मैप डॉट एक्सएमएल करके वो सारी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। बट अगर आप कोई और फ्रेमवर्क यूज़ करते हो तो हो सकता है कि ये सारी जनरेट आपको मैनुअली करनी पड़े, बट आपको जांगो के अंदर करने के लिए बस एक कमांड हिट करना होगा, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें कर देगा, लाइक रोबोट डॉट टीएक्सटी भी क्रिएट कर देगा, साइट मैप डॉट एक्सएमएल क्रिएट कर देगा एंड उसके अलावा आप एसईओ वगैरह जो भी आपको करना होता है लाइक मेटा टैग हो गया वो सारी चीज़ें भी लाइक ऑप्टिमाइज कर देता है, जिस हिसाब से आप एसईओ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हो
एंड साथ ही साथ में आपका जो ऐप होता है या फिर आपका प्रोडक्ट होता है या स्टार्टअप होता है तो उस टाइम पे गूगल की सर्च में भी आने लगता है, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। सो द फोर्थ रीजन इज दैट्स कॉल्ड हाई स्केलेबिलिटी। Django एक बहुत ही ज्यादा स्केलेबल एप्लीकेशन है, यू कैन से उसके अंदर जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो बहुत ही ज्यादा स्केलेबल होता है। द बेस्ट पार्ट इज Django का जो भी जिसने भी Django फ्रेमवर्क बनाया वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लाइक लोग हैं एंड एक्सपीरियंस डेवलपर हैं, तो उन्होंने काफी सोच समझ करके इसके स्ट्रक्चर को बनाया, क्योंकि जब आप इसके अंदर चीजों को लाइक ओवरराइड करना चाहोगे तो वो बहुत ही इजीली कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है Django के अंदर जिसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो, जिसके आप फंक्शनैलिटी को नहीं चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई कई फ्रेमवर्क में क्या होता है उनके हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है, जब बट Django में आपको उसके हिसाब से तो चलना ही पड़ता है, बट अगर आप चाहो कि अपना हिसाब भी लगा दो उसके अंदर तो वो भी टोटली पॉसिबल होता है Django के अंदर। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट इट इज वेरी हाई स्केलेबल। एंड उसके अलावा जो Django जो फ्रेमवर्क है वो यू कैन से बिल्ट इन विद पाइथन है, मतलब पाइथन से ही लिखा गया, ऐसा नहीं कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी पर डिपेंडेंसी नहीं ऐड ऑन करके एक्सपीरियंस प्रोग्रामर ने लिखा है, कोई डिपेंडेंसी नहीं, आप डायरेक्टली यू कैन से लिख सकते हो। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल है एंड बहुत सारी MNCs कंपनी हैं जो कि यूज़ करती हैं। लाइक अब अगर किसी भी एरिया में जाकर के देखो Django आपको मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी जो कि बड़ी कंपनी है डेफिनेटली Django को यूज़ करती है। Django की पावर जो है लोगों ने समझा है कि हाँ इसके अंदर कुछ रियल पावर है। Instagram हो गया, Spotify हो गया, YouTube हो गया एंड कई सारे अलग अलग यू कैन से वेबसाइट्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जो कि Django को आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ करती हैं। सो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल इन नेचर। वर्सेटाइल इन नेचर का मतलब क्या होगा कि आप Django के अंदर चाहो तो MVT भी फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो REST फ्रेमवर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वर्सेटाइल। एंड यहाँ पे वर्सेटैलिटी जो है वो पाइथन की भी इनहेरिट होती है, मतलब जैसे आप पाइथन कहीं कहीं यूज़ होती है, आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, लाइक बैक एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हर जगह यूज़ कर सकते हो। सिमिलर टू Django, Django भी आप कहीं पे भी यूज़ सकते हो, आप चाहो तो वहाँ पे लाइक मशीन लर्निंग ऐप में भी Django यूज़ कर सकते हो, ताकि जो भी आपका मशीन लर्निंग जो भी चीज़ें हो रही है वो उसकी API या फिर आपको उसको REST फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर पाओ, जो भी आपकी सर्विस है, जो भी डेटा रिटर्न करना चाहो उसको आप REST फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, डेटा साइंस का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। बट अगर आप कोई थर्ड पार्टी या फिर कह सकते हो अदर फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको पाइथन का बिल्ट इन सपोर्ट चाहिए, तो फिर आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ तिकड़म बिठानी पड़ेगी जिससे आपकी पाइथन की जो भी आपने पाइथन या फिर पाइथन का कोड लिखा हो या फिर डेटा साइंस का कोड लिखा हो वो एक यू कैन से डेटा रिटर्न करेगा, फिर आपका Node.js एप्लीकेशन समझेगा कि क्या चीजें होने वाली, उसके बाद वो डेटा रिटर्न करने वाला है। सो यहाँ पे वर्सेटैलिटी आपको मिल जाती है अपने हिसाब से, बेस्ट ऑफ द बॉक्स है ये। नंबर सिक्स रीजन है दैट्स कॉल्ड हाई सिक्योरिटी। Django के अंदर आपको सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट मिलती है, क्योंकि लाइक आप थर्ड पार्टी लाइक यू कैन से Node.js यूज करते हो तो आपको वहाँ पे बीक्रिप्ट करके लाइक हैशिंग के लिए यूज करना होता है, लाइक आप पासवर्ड वगैरह एनक्रिप्ट करते हो। उसके अलावा आप कोई भी अलग अलग लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, बट पाइथन के अंदर आपको बिल्ट इन सपोर्ट आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मतलब यू कैन से लाइक जो भी आप पासवर्ड इनक्रिप्ट करने वाले हो, ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाता है जो कि फुल फ्लेज होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी लूप होल्स नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपीरियंस डेवलपर्स ने लिखा होता है, सो उनको एक आइडिया होता है कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हो सकते हैं, सो वो उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, जहाँ पे लूप होल होता है उनको फिक्स करते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स दैट Django एक बहुत ही हाई सिक्योर फ्रेमवर्क है, जिसकी वजह से यू कैन से इट्स वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क इन द मार्केट। एक ये थॉरली टेस्टेड है, मतलब Django जो फ्रेमवर्क है यू कैन से उसके अंदर आपको कोई बग नहीं मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं ये लोग Django के, लाइक आप देखोगे 3.3 वर्जन में काफ़ी टाइम तक चला, उसके बाद अभी 4 वर्जन आया, तो 5 जब आएगा ना तो उसमें काफ़ी टाइम लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हर 6 महीने पे 3 महीने पे एक रोल बैक कर रहे हैं, मतलब या फिर एक नया वर्जन रिलीज़ करें, तो थॉरली टेस्ट करते हैं ये लोग एंड कोई भी आपको बग इसके अंदर मिलने वाला Django के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द यू कैन से 7th रीजन दैट व्हाई यू शुड लर्न Django, बिकॉज इसके अंदर कोई बग नहीं मिलेगा, तो आपको क्लीन यू कैन से आपको पुश कर सकते हो अपने कोड को, अपने यू कैन से अपनी जो भी आपके एप्स की रिक्वायरमेंट है उसको आप इसके अंदर Django के अंदर पुश कर सकते हो। तो जो नंबर 8th पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड रैपिड डेवलपमेंट। रैपिड डेवलपमेंट क्या होता है, यू कैन से लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको एक बहुत ही जल्दी जल्दी कोई एक एप्लीकेशन बनाना है, आपको एक बहुत ही जल्दी जल्दी यू कैन से कोई सॉफ्टवेयर बिल्ट इन करना है, सो इसके अंदर आप बहुत ही रैपिडली कर पाओगे, क्योंकि आपको ऑथेंटिकेशन बिल्ट इन लाइक बिल्ट इन मिल जाता है, एडमिन पैनल बिल्ट इन मिल जाता है, मिडलवेयर्स मिल जाते हैं बिल्ट इन, एंड आपको लाइक बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बिल्ट इन मिल जाती है, जिसकी
वजह से आप कहीं भी यू कैन से थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की तरफ नहीं डालने वाले हो। एंड रैपिड डेवलपमेंट ये भी होगा कि आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो आप बहुत ही जल्दी जाकर के इसको बनाओगे एंड यू कैन से बहुत ही मतलब कह सकते हो इतनी जल्दी आप चीज़ें बना ले जाओगे ना, तो अदर फ्रेमवर्क में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसके अंदर आपको कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है। सो दीज आर सम ऑफ द 8 रीजन दैट वाई यू शुड लर्न जांगो इन 2023 एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऑल्सो अगर आपको जांगो सीखना है सो मेरे दो कोर्सेज लाइव हैं, द वन इज यू कैन से मल्टी वेंडर कोर्स एप्लीकेशन एंड द सेकंड इज जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क विद 5 बिग प्रोजेक्ट। डेफिनेटली आप उनको परचेज कर सकते हो एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी अमेजिंग एंड काफ़ी नेक्स्ट लेवल के हैं। जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम लोगों ने फ्रंट एंड में Vue.js यूज़ किया एंड बैक एंड में जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ किया एंड उसका आपको डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसको आप चेक कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग यू कैन से कंटेंट है इसके अंदर, आप जैसी लाइक वीडियो को देखोगे आपको समझ में आएगा ओके हम ये एप्लीकेशन बनाने वाले जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर, यू विल बी अमेज्ड। सो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक लिखा हुआ है, codekin.in करके वेबसाइट का नाम है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है एंड जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो टोटली अमेजिंग है, मतलब आप समझ नहीं सकते, नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यू चैनल एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो।